बिजनेस वैक्सीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस की एक ऐसी आइडिया जो आपके पेट से होकर सीधे आपके दिल को छुएगी। तो ये टेम्पटिंग आइडिया कौन सी है, ये जानने के लिए कीप वॉचिंग बिजनेस वैक्सीन। ये है बोरिवली स्थित प्योर वेज गीगल ब्रेसरी, जो एक फेमस फूड लवर कैफे है। बहुत ही कम पैसों में इस गीगल कैफे की फ्रेंचाइजी लेकर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लोकेशन सर्चिंग, कैफे इंटीरियर, फूड क्वालिटी और स्टाफ ट्रेनिंग, ये सारी जिम्मेदारी गीगल ही उठाता है, जिसके चलते आपके बिजनेस का रिस्क फैक्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यकीन मानिए, पूरा दिन गीगल कैफे में बिता कर हमने आपके लिए गीगल का रिसर्च किया, गीगल की अलग अलग डिशेस भी टेस्ट की। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि डोमिनोज, मैकडोनाल्ड और सबवे जैसे इंटरनेशनल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स को यह मेड इन इंडिया गीगल कैफे टक्कर देगा। तो ये गीगल कैफे की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं, किस तरह के डिशेस गीगल सर्व करता है, ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो फाइनली हम आ चुके हैं बोरिवली वेस्ट के गीगल ब्रेसरी में। तो चलिए मिलते हैं गीगल के फाउंडर ईश्वर जानी और उर्मिला तांबे जी से। तो ईश्वर जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या है ये गीगल। 2002 से लेकर 2007 तक मैंने अलमनामा फूड शेफ, जो गल्फ की बड़ी फ्रेंचाइजी आउटलेट थी, उसमें वहाँ पे एज अ मेन हेड शेफ के हिसाब से उनको सपोर्ट दिया था। वहाँ की सारे रेसिपीज जो डेजर्ट को लगते थे, चॉकलेट्स के, ब्राउनीज के, वो सारे मैं वहाँ पे दिया करता था। तो जब वहाँ पे पूरे गल्फ में उनके 16 स्टोर्स थे, तो उनके साथ काम करते करते पता चला कि हम लोग बहुत सारा चीज़ें मिस कर रहे हैं। जो हमको प्रोडक्ट डेजर्ट्स के मिल रहे हैं, या चॉकलेट के नाम पे या ब्राउनीज के नाम पे, तो वो या तो हमको फ्रोजन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, या तो हम लोग को वेजिटेबल फैट के मिल रहे हैं। तो जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स थे वो मिसिंग थे मार्केट में। और फिर वहाँ से सफर जब शुरू हुआ, तब 2017 में हमने कैफे ही प्लान किया, जिसका नाम मैंने गीगल ब्रेसरी रखा। सो दिस वर्क्स एज अ लैब, दिस वर्क्स एज अ सैंपल ऑफिस ऑल्सो फॉर मेनी ऑफ द कैफे ओनर्स, फॉर द रेस्टोरेंट ओनर्स और फॉर द शॉपकीपर्स। तो ये बताया कि गीगल की फ्रेंचाइजी हमारे व्यूअर्स कैसे ले सकते हैं। आप इंटरेस्टेड हो फूड बेचने में या फूड बनाने में, पहले तो हम लोग वो स्टडी करेंगे। सेकंड, उस हिसाब से हम लोग लोकेशन सर्च करते हैं। आपको उसमें ये हेल्प भी मिलेगी कि लोकेशन आपको सर्च होके मिलेगा, आपका इंटीरियर का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, किचन कैसे सेट करना है, कैसे बाहर टेबल सेटिंग सेट करनी है, कैसे आपका लुक आना चाहिए, वो पूरा ब्रांड के साथ पूरा सेट किया हुआ है। या एज अ इंडियन ब्रांड हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि 24/7 का हमारा सपोर्ट रहेगा। तो अब हमें ये बताइए कि मुंबई के बाहर गीगल कहाँ कहाँ फ्रेंचाइजी देते हैं। ऐसे तो पैन इंडिया पे है, ऑल ओवर। नाउ स्लोली नेक्स्ट मंथ वी विल लाइक एंटरिंग गुजरात। सो गुजरात में जूनागढ़ में, राजकोट से थोड़ा नजदीक है जूनागढ़। वी हैव गिवन अ फ्रेंचाइजी व्हिच इज 1300 कारपेट एरिया, इट्स अ बिग प्लेस। सो अभी गुजरात में एंटर किया है, तो धीरे धीरे लाइक कमिंग दिस ईयर वी विल बी एंटरिंग 10 मोर। गीगल फ्रेंचाइजी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में आप क्या बताओगे। आज जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें वेस्टेज होना ही है, तो जो वेस्टेज के साथ हम लोग काम करते हैं उसको टोटल मिला के फूड कॉस्ट बोलते हैं। तो फूड कॉस्ट विल समवेयर अराउंड 40-45%। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रह जाता है, मतलब प्रॉफिट जो आपको बन सकता है, वो 55% है। जनरली होटल मैनेजमेंट और स्टाफ को लेकर कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में गीगल फ्रेंचाइजी लेने वालों को कैसे सपोर्ट करता है। मेरे पास से आपको गीगल की लॉ बुक मिलेगी, जिसमें सारा रेसिपीज प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। प्लस मैं जो ओनर है, जो आपका मेन मैनेजमेंट पार्ट रहेगा, उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो गाड़ी अटकने की बात ही नहीं आती, जब मैं खुद जानता हूँ मुझे कैसे बनाना है जो मैं सर्व करने वाला हूँ, तो आधा काम तो मेरा वहीं पे हो जाता है। आप जब नए स्टाफ को रख रहे हो और आपको वो, आप उसको ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको मेरे पास भेजोगे, मैं मेरे लाइव किचन पे ट्रेनिंग करूंगा। और जब भी हम नया रेसिपी बनाते हैं, तो वैसे ही हमारा जो हर वीकली विजिट होता है, उसके बाद हम लोग जब 2-3 महीने में नया रेसिपी देते हैं, तो 2-3 महीने में वैसे भी हमारा एक ट्रेनिंग सेशन होता ही है। वहाँ पे हम पूरे स्टाफ को जमा करते हैं। मॉर्निंग का जो थोड़ा सा स्लो टर्नओवर रहता है, वो टर्नओवर में हम 2-3 घंटा फिर से पूरा मेनू का हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। प्लस जो नया मेनू हम लोग उसको कैसे प्लेटिंग करना है और कैसे बनेगा, वो पूरा उसका एजुकेशन भी देते हैं। तो मेरे यहाँ से हर दूसरे महीने, तीसरे महीने कुछ ना कुछ नया बनना ही है। हर बार कुछ ना कुछ हम नया खाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ हमको नया चाहिए। तो उसके लिए हर बार हम आपके यहाँ पे आने वाले हैं किचन में, तो मेरे यहाँ से वो दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टाफ का ट्रेनिंग का काम आप मेरे पे छोड़ दीजिए, हम आपको भी ट्रेन करेंगे, आपके स्टाफ को। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं गीगल के यम्मी यम्मी डिशेस और आपको बताते हैं इनकी टेस्ट कैसी है। तो सबसे पहले हमने टेस्ट किए गीगल के चीजी नाचोज़।
ये नाचोस और चीज गीगल खुद बनाते हैं। नाचोस के ऊपर चीज का लेयर तो है ही और इसमें कैप्सिकम डाला हुआ है, ओरेगानो है, तो थोड़ा सा पिज्जा फ्लेवर का ये नाचोस आपको यहाँ टेस्ट करने मिलेंगे और इसकी टेस्ट रियली बहुत ही यूनिक है। आई जस्ट लव इट। वाओ, तो ये आ गया है हमारा गिगल का वेज ग्रिल सैंडविच। वाओ, गिगल ने हमें ये ग्रीन चटनी और ये सॉस दिया है। चलो ट्राई करते हैं। वेजिटेबल के साथ साथ इसमें कॉर्न भी डाले हुए हैं तो उसकी एक अलग टेस्ट आती है और वो सैंडविच के टेस्ट को एनहांस करती है। वाओ, तो ये है गिगल का वेज सोया रैप। गिगल ने इसके साथ थोड़ा सलाद भी दिया है, ग्रीन चटनी और सॉस भी है। तो मैं इसे वेज सोया रैप के साथ इन्होंने जो हरी चटनी सर्व की है उसमें पुदीना की फ्लेवर बहुत ही अच्छी आ रही है, तो थोड़ा फ्रेश भी लग रहा है। सोयाबीन से बना हुआ है तो प्रोटीन भी काफी मात्रा में है। देखो गूगल हमारे लिए क्या लेके आए हैं, टावर बर्गर। ओह माय गॉड, गूगल फूडीज में काफी फेमस हो चुका ये टावर बर्गर। अभी हमारे टेबल पे पेश किया गया है, चलो इसे ट्राई करते हैं। जिस तरह से गूगल हमें ये पेश करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। पहले तो स्माइली, प्रद्युम्न ने पहले स्माइली उठाया। वाओ, चलो मैं ये पोटैटो फ्राइज ट्राई करती हूँ। बर्गर कैसे खाया जाए? चलो इस अभी टावर बर्गर को कट करते हैं। ओ माय गॉड, देखो तो कितने लेयर्स है इसमें। वेजीज है, चीज से पूरा भरा हुआ ये बर्गर। ओ माय गॉड, चलो इसे पहले आधा ट्राई करते हैं। काफी गर्म भी है। ओ मतलब केवड़ा लो, नो नो नो, नहीं नहीं, तो पूरा चीजी है। इसमें जो पैटी है वो पनीर की है और बहुत ही क्रिस्पी है। गिगल फूडीज में टावर बर्गर बहुत ही फेमस है। यहाँ आने वाले हर कोई कस्टमर टावर बर्गर एक बार तो जरूर ऑर्डर करते हैं। और अब पेश होने जा रहा है गिगल का इटालियन राइस। वाओ, बेसिकली ये इटालियन और इंडियन फूड का कॉम्बिनेशन है। नूडल्स ही खाओगे? तो ये गिगल ने खास बच्चों के लिए ही यहाँ पे इस डिश में नूडल्स रखे हैं। इटालियन राइस के साथ ये रमोकड़ा हमें सर्व किया गया है। चलो इसे इस ग्रेवी के साथ ट्राई करते हैं। बहुत ही टेस्टी है और क्रिस्पी भी है। ये एकदम ऑथेंटिक इटालियन राइस है। वाओ, ये है गिगल की चीज बोट प्लेटर। इसके साथ उन्होंने सर्व किए हैं नाचोस और फ्राइज। बस एक ही प्लेट में आपका पेट पूरा फुल हो जाएगा। नाचोस तो इससे पहले भी ट्राई किए लेकिन ये चीज बोट प्लेटर के साथ दिए हुए ये नाचोस हम फिर से ट्राई करते हैं। अब की बार मेयोनीज के साथ ट्राई करते हैं। अभी देखते हैं गिगल हमें और क्या क्या खिलाते हैं।
तो यकीन मानिए, गीगल की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप फायदे में ही रहोगे। तो ये आ गए हैं गीगल के चोकोनट वाफल्स। इसमें वाफल्स के साथ साथ ड्राई फ्रूट का भी क्रंच मिल रहा है। व्हिप क्रीम कहा भी हो, इसे खाने का लालच हर किसी को होता है, तो मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। तो बेसिकली गीगल बहुत ही हेल्दी फूड बनाते हैं। गीगल ने जिस तरह से ये टेस्ट डेवलप की है, ये बहुत ही यूनिक है और ये यूथ में बहुत ही चलेगी। चोकोनट वॉफल्स के बाद अब बारी है गीगल के ब्लू लगून की। ओशन कलर के इस ब्लू लगून में सोडा, स्प्राइट और लेमन का फ्लेवर है। और अब बारी है गीगल के स्पेशल आइटम की, जिसकी यूथ में काफी चर्चा है। ओ माय गॉड! तो ये है गीगल का स्कल शेक। पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है, ऊपर टॉपिंग में आइसक्रीम, गन, ब्राउनी और ये प्रद्युम्न की फेवरेट गन भी है। ओहो, प्रद्युम्न ने तो पहले अपनी फेवरेट गन ही उठाई है। तो ये गन व्हाइट चॉकलेट और चॉकलेट से बनी हुई है। गीगल के हर एक फूड आइटम्स जंबो साइज के हैं, वैसे ही ये है स्कल शेक। अभी इतने सब आइटम्स खाकर हमारा तो पेट भर गया है, देखते हैं ये स्कल शेक हम खत्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलो टेस्ट करते हैं। व्हिप क्रीम के अंदर चॉकलेट शेक भरा है और ये बहुत ही डिलीशियस है, अमेजिंग। ये बहुत ही स्वीट है और बच्चों को तो ये पसंद आएगा ही। तो प्रद्युम्न, कैसे लगा ये तुम्हें स्कल शेक? ये ना बहुत ही टेस्टी है और इससे मैं अपना डिनर कर सकता हूँ। इन डिशेस के अलावा गीगल के मेन्यू कार्ड में आपको मिलेगा एग्लियो ओलियो पास्ता, वेज खीमा गार्लिक ब्रेड, क्राउडेड हाउस पिज्जा, वेज ग्रिल्ड सैंडविच, हमस प्लेटर, चीज बोर्ड प्लेटर, पाव भाजी फोंड्यू, एक्जॉटिक गार्लिक ब्रेड, प्लेन डार्क हॉट चॉकलेट, किटकैट मिल्क शेक, इटालियन फोंड्यू और वॉलनट ब्राउनी फ्रैपे। गीगल कैफे के ये यूनिक बट हेल्दी फास्ट फूड एंजॉय करने के लिए फूड लवर्स की यहाँ काफी भीड़ लगी रहती है। हाइजीनिक सर्विस और लाजवाब टेस्ट के चलते कस्टमर बनकर आने वाले फूडीज गीगल के फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। Today I visited Gigil Cafe. After COVID, I meet my friend, my best friend, and we choose to come here because of good ambiance, good food, good chocolate. Today I ordered hot chocolate and it's really yummy, thick and really worth it. So this is my first time visiting Gigil's and I ordered hazelnut chocolate, hot chocolate, and it's really thick and really tasty. I really loved it and it's totally worth it. मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ last 1.5 year से हूँ। तो मैं यहाँ just join हुआ था, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, but यहाँ start करने के बाद मेरा experience काफ़ी अच्छा रहा और यहाँ हम काफ़ी fresh and काफ़ी अच्छी quality का food provide करते हैं। फूड इज़ वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। अभी टोमेटो सूप ऑर्डर किया है, फिर पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैं गीगल कैफ़े में आती ही रहती हूँ। एज एन आर्टिस्ट हम बहुत सारे कैफ़ेज़ में जाते हैं, जैसे कि बाहर के कैफ़ेज़ भी यहाँ पे है, वहाँ पे भी कम्फर्ट होता है, पर जो गीगल में मज़ा आती है मुझे काम करने की, दैट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। दे हैव अमेजिंग कॉफ़ीज़ एंड द पेस्टो पास्ता ओवर हियर इज़ रियली अमेजिंग। घर के खाने जैसे एक्सपीरियंस होता है। सो आई नेवर लाइक इफ़ आई हैव टू वर्क फ्रॉम आउटसाइड एंड आई कम टू द गीगल कैफे ओनली एंड आई वर्क ओवर योर ओनली। आई इन्वाइट माई क्लाइंट्स ऑल्सो ओवर योर फॉर द मीटिंग। इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी इधर अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ भी बैठने के लिए अच्छी जगह है, बिकॉज यहाँ पे फ्रेश फूड मिलता है मुझे। तो गीगल के मेन आउटलेट में हमने ढेर सारे डिलीशियस फूड ट्राई किए हैं। अभी हम चलते हैं कांदिवली में, जहाँ गीगल की फ्रेंचाइजी है, और उन्हीं से जानते हैं कि इनकी फ्रेंचाइजी लेना कितना फायदेमंद है। अब हम आए हैं कांदिवली की गीगल फ्रेंचाइजी में, तो चलिए। यहाँ पर
भी फूड लवर्स गीगल की यूनिक डिशेस एंजॉय करते दिखाई दिए। तो आइए जानते हैं गीगल इनके लिए क्या है। वी ऑर्डर्ड हॉट चॉकलेट एंड चीजी फ्राइज टुडे। इट इज एस्थेटिकली प्लीजिंग एज वेल एज द टेस्ट इज रियली वेरी नाइस एंड सेम गोज फॉर द चीजी फ्राइज। इट्स अ गुड प्लेस फॉर फ्रेंड्स टू कम टुगेदर एंड यूज द स्पेस बिकॉज वी कैन यूज आवर लैपटॉप्स एंड देयर पोर्ट्स अवेलेबल फॉर चार्जिंग द लैपटॉप। गीगल की फ्रेंचाइजी को लेकर कांदिवली के ओनर हमें काफी सेटिस्फाइड नजर आए। तो हमें बताइए गीगल कैफे की फ्रेंचाइजी को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं गारमेंट बिजनेस से हूं, उसके बाद भी मुझे गीगल से मैं इतना सेटिस्फाइड हूं कि मैं पूरी चीज़ें आपको बता देता हूं। जैसे कि सबसे बड़ी बात होती है बैक सपोर्ट। आप कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हैं, मेरे पास बहुत से लोग आए थे फ्रेंचाइजी देने के लिए, लेकिन कहीं भी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं दिखा जो यहाँ पे दिखा। सेटिस्फेक्शन में ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, फूड तो अच्छा है ही है, लेकिन बहुत बार बहुत सी कमियाँ होती है, जैसे ट्रेनिंग हो गई, फूड की क्वालिटी को लेके हो गया, तो इनका पूरा सपोर्ट रहता है। और इवन अगर आपके लोग मतलब ट्रेन नहीं है, उनको ट्रेन करके देते हैं यहाँ पे वो। अगर आपके पास कोई वर्कर्स कम है तो उनका बैक एंड सपोर्ट मिल जाता है आपको, तो काफ़ी सारी चीज़ें और अच्छे प्रॉफिट के साथ देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत सी फ्रेंचाइजीज में ये होता है कि आपको बड़ी बड़ी बातें होती है, बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होती है। यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस ग्रोथ करने में, खुद के पैरों के ऊपर खड़ा रहने में बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। कांदिवली के गीगल फ्रेंचाइजी में भी हमने काफी सारी डिशेस टेस्ट की। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया क्राउडेड हाउस पिज्जा, फिर पास्ता अल अराबियाता, वेज बर्गर और पैशन फ्रूट लेमोनेड। आप यकीन नहीं करेंगे, दोनों जगह पर हमें फूड क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल सेम मिली। हम एक बार फिर दोहराएंगे कि डोमिनोज, मैकडोनाल्ड और सबवे जैसे इंटरनेशनल फूड रेस्टोरेंट के मुकाबले अपना यह मेड इन इंडिया गीगल कैफे फूड इंडस्ट्री में एक बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन साबित हो रहा है। तो देर किस बात की, अगर आप भी फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो गीगल की फ्रेंचाइजी लेकर अपने और कस्टमर के चेहरे पर हल्की मुस्कान का मुनाफा पाइए और लेट्स गीगल इंडिया ये यूनिक पहचान बनाइए। मैं यहाँ रोज आती हूँ, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है और यहाँ का स्पेस भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मलाड से यहाँ आती हूँ। यूनिक फूड क्वालिटी, प्लेजेंट एम्बियंस एंड हाइजीनिक सर्विस, ये है गीगल ब्रेसरी की खासियत। अगर आप भी फूड इंडस्ट्री में कदम रखकर खुद का फूड कोर्ट शुरू करना चाहते हैं तो गीगल ब्रेसरी की फ्रेंचाइजी ज़रूर लीजिए। आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही ढेर सारे बिजनेस आइडियाज़ के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।